Hello everyone, welcome back to your own channel that is EduGrown. This is Richa Sharma, your social science educator. As you know that कि हमने हमारे चैनल पे क्लास 9 एंड 10th के लिए न्यू सेशन स्टार्ट किया जिसके अंदर हम पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. साथ के साथ में ये जो कोर्स है आपका इस हिसाब से डिजाइन किया गया है जिसके कारण आपका एक तरह से फाउंडेशन कोर्स की भी प्रिपरेशन हो सके. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू यू बच्चा कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप है ना नोट्स के लिए परेशान होते हैं, राइट? अब आपको वो परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको अब छोटा सा काम करना है, हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट करना है, ओके? जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. एंड इवन मैं यहाँ भी बता देती हूँ, www.edugrown.in, इस पे जाके आप विजिट करेंगे. आप वहां से क्लास 9th एंड 10th के किसी भी सब्जेक्ट्स के, किसी भी चैप्टर के कोई भी नोट्स आप क्या कर सकते हैं, इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हिट कीजिएगा बेल आइकन को, जिसके कारण आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो सके मेरी साइड से. सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर सोशल साइंस क्लास. आपका बहुत बहुत स्वागत है सोशल साइंस क्लास के अंदर. जैसे कि आपको पता है आज मैं आपको क्लास टाइम हमारा क्या चल रहा था, क्लास 10th में ज्योग्राफी चल रहा था, उसका चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. उसका ही ये 5th लेक्चर है जिसके अंदर मैं आज आपको रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में पढ़ाने वाली हूँ. इसके पहले हम देख ही चुके हैं डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, वो कौन से क्राइटेरिया होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज वेल एज सस्टेनेबल ऑफ डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबका लिंक मिल जाएगा और वहां जाके आप क्या कर सकते हैं, उन्हें इजिली देख सकते हैं. सो हम हमारे आज के टॉपिक पे फोकस करते हैं, दैट इज रिसोर्सेज प्लानिंग. ओके बच्चा, जैसे कि मैं आपको रिसोर्सेज का मीनिंग तो बता ही चुकी हूँ. क्या होता है रिसोर्सेज का मीनिंग? रिसोर्सेज का मीनिंग होता है कोई भी थिंग, भले ही वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो ह्यूमन की नीड्स को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए. उसके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस थिंग के अंदर कि वो ह्यूमन की नीड्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके. ओके बच्चा, नाउ अब हमारी प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं. Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. Okay, जैसे कि हम planning की बात करें, planning से आप क्या समझते हो? Planning का meaning यही होता है ना, किसी भी चीज की इतने अच्छे से planning करके रखना या उसकी preparation करके रखना कि आगे चल के आपके लिए क्या हो, वो beneficial हो. For example, आप class 10th में, okay? अगर आपने स्टार्टिंग से ही क्लास 10th की प्रिपरेशन करके रखी, इस हिसाब से आपने हर चैप्टर डेली पढ़ा, डेली रिवाइज किया, तो क्या होगा, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसके कारण आपको एंड टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, बहुत सारा कोर्स नहीं लगेगा, आप इजिली चिल आउट करके थोड़ा टाइम पढ़ के भी आप क्या कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो. बट ये सब कैसे पॉसिबल होगा, जब आप प्रॉपर प्लानिंग साथ के साथ में उसका इम्प्लीमेंटेशन करोगे तब, राइट? तो वही चीज हमें हमारे रिसोर्सेज के साथ करनी है. अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं बेटा रिसोर्सेज प्लानिंग, तो हमें रिसोर्सेज के लिए इस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए जिसके कारण हम उसका, उस रिसोर्सेज का लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर सके, यूज कर सके. ओके, ये तो नॉर्मल लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया. अब जो आपकी बुकिश लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं. प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चा, प्लानिंग क्या एक तरह से वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है, ठीक है? प्लानिंग क्या एक तरह से आपकी स्ट्रेटजी है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, जुडिशियस यूज कर सकते हैं, किसका, रिसोर्सेस का. ओके, मतलब कि हम प्रॉपर अच्छे से यूज कर सकते हैं, सबको जितनी जरूरत है उस हिसाब से हम यूज कर सकते हैं अगर हम प्लानिंग करते हैं तो. नाउ इट इज नेसेसरी फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विच हैज इन्यूमरस diversity in the availability of resources. Even जो आपकी resource planning है ना, वो जैसे कि इंडिया जैसी कंट्री के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चा. क्यों जरूरी है? क्योंकि जो इंडिया है ना, उसके अंदर इतनी डाइवर्सिटी है रिगार्डिंग रिसोर्सेज कि आपको आई थिंक पता ही होगा, राइट? नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ.
तो जो हमारी इंडिया है ना, वहाँ इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है रिगार्डिंग रिसोर्सेज की एबिलिटी को लेके। कहीं बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, कहीं बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पानी बहुत सारा है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लाइक दैट। इसलिए इसके लिए हमारी रिसोर्सेज प्लानिंग की क्या होनी चाहिए, बहुत जरूरत है इंडिया जैसी कंट्री के लिए, जहाँ इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है किसके रिगार्डिंग, रिसोर्स की एबिलिटी के लिए। नाउ जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही था, देयर आर रीजन विच आर रिच इन सर्टन टाइप ऑफ रिसोर्सेज, या कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ बहुत सारे क्या हैं, रिसोर्सेज है। मतलब रिसोर्सेज है, और बहुत रिच रिसोर्सेज है, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज है, बट डिफिशियंट इन सम अदर रिसोर्सेज। अगर उसके अंदर मतलब उस रीजन के अंदर कुछ रिसोर्सेज हैं तो कुछ की कमी भी है। देखते हैं ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ कहाँ हैं। देयर आर सम रीजन विच कैन बी कंसिडर सेल्फ सफिशियंट इन टर्म ऑफ द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इवन हमारे यहाँ के कुछ एरिया या कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि सेल्फ सफिशियंट कहलाते हैं, ठीक है, किसके रिगार्डिंग, रिसोर्सेज के रिगार्डिंग। उनके पास बहुत सारा रिसोर्सेज है, बट उसके बाद भी उनके पास क्या नहीं है, मतलब उसके अलावा जो कुछ आपके रीजन है वो कैसे हैं, उनके पास जो वाइटल रिसोर्सेज होने चाहिए वो है ही नहीं, उनके पास शॉर्टेज है, ठीक है, विच हैव अक्वायर्ड शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। तो यहाँ आपने क्या देखा, आपने क्या बताया जा रहा है, प्लानिंग क्या है, एक तरह से हमारी स्ट्रेटेजी है जिसके कारण हम जुडिशियस यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज का। सेकेंड में क्या है, स्पेशली जो इंडिया जैसी कंट्री है, अगर आप चाहते हो उसके अंदर डेवलपमेंट हो, बैलेंस डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए तो हमें प्लानिंग करनी ही चाहिए, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर एबिलिटी ऑफ जो रिसोर्सेज है उसकी बहुत डाइवर्सिटी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ रीजन के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट कुछ रिसोर्सेज और जो होने चाहिए वो नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहीं मिनरल है लेकिन वाटर नहीं है, और इसके अलावा कुछ जो आपके रीजन है या कुछ स्टेट जो जो सेल्फ सफिशियंट कहलाते हैं एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, बट उसके बाद भी जो कुछ वाइटल रिसोर्सेज है वो उनके पास नहीं है, इसलिए बोला जाता है इंडिया के लिए तो स्पेशली बहुत ज्यादा नीड है किसकी, प्रॉपर प्लानिंग की। अब जैसे कि मैं आपकी प्रॉपर एग्जांपल की बात करूं, द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। अगर हम स्टेट की बात करें, जैसे कि झारखंड हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इनके अंदर क्या है, इन स्टेट्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, रिच इन मिनरल्स हैं ये, और कोल डिपॉजिट भी है यहाँ। नाउ अगर हम दूसरे स्टेट की बात करें, द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल इंडोव विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लेक्स इन वाटर रिसोर्सेस, ठीक है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो वहां आपको पता ही है बहुत सारी सोलर एंड विंड एनर्जी है, लेकिन वहां वाटर रिसोर्सेज नहीं है। नाउ जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां वाटर रिसोर्सेज है, ठीक है, वहां बहुत सारा वाटर है, वाटर बॉडीज बहुत सारी है, वाटर रिसोर्सेज वहां बहुत सारे हैं, बट वहां क्या नहीं है, प्रॉपर हम बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो नहीं है, भले ही वहां वाटर है तो क्या हुआ। इसीलिए बोलते हैं कि इंडिया के लिए क्या जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा हमने कितने सारे स्टेट के बारे में पढ़ा जहाँ कुछ रिसोर्सेज है, कुछ रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, कहीं कोई से रिसोर्सेज है तो कहीं कोई से रिसोर्सेज नहीं है। दिस कॉल फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजन एंड लोकल लेवल, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है इन्हीं सारे रीजन की वजह से क्या होना चाहिए, बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग होनी चाहिए, और वो भी तीनों लेवल पे, ठीक है। कौन कौन से लेवल, भले आपका नेशनल हो, स्टेट हो, रीजनल एंड लोकल लेवल, चारों लेवल पे आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। गॉट इट, रीजनल और लोकल लेवल एक ही बात है एक तरह से, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है आपका, कि आपको बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग करनी है नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल पे, चारों लेवल पे आपको बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग करनी है। नाउ आपका बोला जा रहा है, अब ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि आपको रिसोर्सेज प्लानिंग करनी है। अब रिसोर्सेज प्लानिंग करनी है तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा रिसोर्सेज प्लानिंग का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, एंड अगर हम किसी चीज को करने जा रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, या उसके अंदर कितने स्टेज इन्वॉल्व होते हैं, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं रिसोर्सेज प्लानिंग की बात करूं तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक तरह से टेक्निक है। किसकी टेक्निक है, कि आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें किसका, रिसोर्सेज का। तो रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड अब हमने ये तो देख लिया कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है,
अब हमें देखना है जो रिसोर्स प्लानिंग है वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ स्टेप्स क्या की जाती हैं फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप रिसोर्स प्लानिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपकी क्या हो पाएगी, रिसोर्सेस प्लानिंग हो पाएगी बच्चा। गॉट इट? नाउ आपका जो स्टेप्स, उसमें फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्सेस। ओके, आपको फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, आपने एक बार आइडेंटिफिकेशन कर लिया रिसोर्सेज का, फिर आप क्या करोगे, रिकॉर्ड बना के रखोगे। ओके, समझ में आया आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसका रिकॉर्ड बना के रखना है, किसका, रिसोर्सेज का। अब वो कैसे पॉसिबल होगा, विच इन्वॉल्व सर्विंग मैपिंग एंड द मेजरमेंट ऑफ द क्वालिटीज एंड क्वान्टिटी ऑफ द रिसोर्सेज। कैसे होगा, जब आप सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, सर्वे कर लिया आपको, आपने मैपिंग कर लिया, आपको पता चल गया कि हाँ ठीक है वहाँ ये रिसोर्सेज है, तो फिर आप देखोगे उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वान्टिटी कैसी है, हर चीज़ को मेजर करोगे एंड एक तरह से आप एक लिस्ट बना लोगे या एक रिकॉर्ड बना लोगे उन रिसोर्सेज का। ठीक है, आपने क्या किया, स्टेट वाइज देखा, हर स्टेट के अकॉर्डिंग आपने देखा इस स्टेट के अंदर, ठीक है ये हमने सर्वे किया उस स्टेट के अंदर, ठीक है हमने देख लिया कि वहाँ क्या क्वालिटी है, कौन सा रिसोर्सेज है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, सारे रिसोर्सेज बना लिए। साथ के साथ में हमने ये भी देख लिया कि वहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज की कमी है। ओके, सारे स्टेट का ऐसे करके हमने क्या कर लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया एंड रिकॉर्ड बना लिया उनका, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्सेज। अब सेकेंड चीज हम क्या करेंगे, अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन कौन से स्टेट में कितने रिसोर्सेज है, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी क्वांटिटी कैसी है। अब हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, डेवलपिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। जैसे ही आपके पास रिकॉर्ड आ जाता है आपको क्या करना है, प्लानिंग स्ट्रक्चर को डेवलप करना है। ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको, डेवलपिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। कैसे करेंगे हम, विथ प्रॉपर टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेट अप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान। ओके, क्या करना है आपको, प्रॉपर टेक्नोलॉजी स्किल और इंस्टीट्यूशन की हेल्प से आपको क्या करना है, जो भी आपका रिसोर्स है उसको क्या करना है, डेवलपमेंट प्लान के अंदर क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। समझ में आया आपको, आप डेवलपमेंट प्लान के अंदर आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑब्वियसली बात है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ टेक्नोलॉजी कैसी है, वहाँ इंस्टीट्यूट कौन, मतलब किस टाइप का इंस्टीट्यूट लगेगा, टेक्नोलॉजी कौन सी लगेगी, स्किल की क्या क्या जरूरत पड़ेगी, इन सब की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे किसको, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को, जो भी आपने प्लान बनाया उसको। ओके, नाउ थर्ड क्या है, हमने देख लिया, रिकॉर्ड बना लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, हमने रिकॉर्ड बना लिया, ठीक है रिसोर्सेज का, फिर उसके बाद हमने प्लानिंग भी कर ली स्ट्रक्चर को लेके, कि कहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए, किसके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए, कहाँ क्या कमी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उधर हमें उस चीज की नीड पड़े, हमने सारी चीजें देख ली। अब हमें क्या करना है, इस प्लान को कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयरिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, ये जो हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है इसको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। गॉट इट, समझ में आया, आपके तीन स्टेप थे, सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करना है एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्सेस करना है। ओके, सेकेंड में आपको डेवलपमिंग आप प्लानिंग स्ट्रक्चर करना है, वो कैसे होगा, टेक्नोलॉजी स्किल और इंस्टीट्यूशन के सेटअप्स के थ्रू। थर्ड आपको कंपेयर करना है, जो भी आपने ऊपर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान किया है ना उसको कंपेयर करना है किससे, नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। समझ में आया बच्चा, नाउ रिसोर्सेस कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली वेन दे आर अकम्पाइंड बाय अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज। अब क्या बोला जा रहा है, जो रिसोर्सेज है वो एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कब कर पाएंगे डेवलपमेंट के अंदर, जब हमारे पास प्रॉपर क्या होगी आपके, हम बोल सकते हैं प्रॉपर टेक्नोलॉजी को हम क्या कर सकेंगे, इंक्लूड कर सकेंगे। ठीक है, अकम्पाइंड का मीनिंग आपका होता है इंक्लूड करना। ठीक है, तो वो कब पॉसिबल है, जब आप किसी भी रिसोर्सेज को कब डेवलप कर सकते हो, जब आप उसको एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन से क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। ओके, जब तक आप उसको इंक्लूड ही नहीं करोगे, क्योंकि प्रॉपर टेक्नोलॉजी से आप इंक्लूड नहीं करोगे या फिर इंस्टीट्यूट ही नहीं होगा आपके पास, तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है डेवलपमेंट कैसे होगा बच्चा, है ना। इसलिए रिसोर्सेज कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली, रिसोर्सेज कब कॉन्ट्रीब्यूट करेगा डेवलपमेंट के लिए, ओनली वेन दे अकम्पाइंड बाय अप्रोप्रिएट
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जब क्या होगा, जब हम उसको इंक्लूड करेंगे अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ के साथ में इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। अगर वहाँ कोई इंस्टीट्यूट है, नहीं है तो हमें सेटअप करना है, अगर है तो हमें देखना है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस की नीड है। ओके, सेकेंड, इंडिया हैज मेड कॉन्क्रीट एफर्ट्स टूवर्ड अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्सेस प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, जैसे कि आपको पता है कि हमारे ऊपर, जैसे कि जब हम कॉलोनियल पीरियड में थे, ठीक है, हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था, तब तक हमारे यहाँ देखा जाए तो हर चीज बहुत हद तक मतलब हमारे पास से चली गई थी, राइट। तो अब हमने क्या किया, एक रिसोर्सेस प्लानिंग को गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, इंडिया ने क्या किया, रिसोर्सेस प्लानिंग के गोल को अचीव करने के लिए हमने क्या किया, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने क्या स्टार्ट किया, 5 ईयर्स प्लान जो होते हैं ना हमारे, हमने वो स्टार्ट किया, एक तरह से स्कीम्स बोल सकते हैं हम उन्हें, ठीक है। तो हमारे जो 5 ईयर प्लान्स थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स जो थे उनको हमने लॉन्च किया, जिसके कारण हम क्या कर सके, जो हमारा रिसोर्सेज प्लानिंग का जो गोल है उसको हम क्या कर सके, अचीव कर सके। ओके, गॉट इट। नाउ टू ओवरकम इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो कि आप ओवरकम हो सको, ठीक है, किससे ओवरकम हो सको, इरेशनल कंजप्शन से, ठीक है, जो भी इरेशनल कंजप्शन होता है, मतलब कि जिसको जरूरत नहीं है वो भी यूज कर रहा है, और जो अमीर है वो ज्यादा यूज कर रहा है, गरीब को तो यूज करने को मिल ही नहीं रहा, तो जो इरेशनल कंजप्शन हो रहा है ना रिसोर्सेज का, या फिर हम बोल सकते हैं ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है जो आपका रिसोर्सेज का, उससे अगर आप ओवरकम होना चाहते हो, मतलब आप उससे निकलना चाहते हो, ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल है, वो आपका रिसोर्स कंजर्वेशन के थ्रू ही क्या है, पॉसिबल है। ओके, गॉट इट, समझ में आया आपको। नाउ अब हम देखेंगे, ठीक है, हमने देख लिया कि रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होती है, कैसे स्टेज में की जाती है, इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या किया, ये सारी चीजें, बट अब हमें ये भी तो पता उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग हम देखेंगे। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग, ठीक है, अगर आप प्लानिंग करके रखते हो रिगार्डिंग रिसोर्सेज, तो उससे क्या होगा, जो भी आपका वेस्टेज होता है ना रिसोर्सेज का, उसको आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रॉपर प्लानिंग करके रखी है कि आपका एग्जाम मान के चलो 4 मंथ बाद है, ठीक है, आपके फाइनल एग्जाम 4 मंथ बाद है, आपने प्रॉपर प्लानिंग करके रखी, तो ऑब्वियसली बात है आप अपने टाइम को एक अच्छे वे में यूज कर सकते हो, ठीक है, आप वेस्ट नहीं कर रहे हो अपने टाइम को, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आपने प्लानिंग करके रखी, तो आपने अपने टाइम को एक अच्छे वे में क्या करके रखा है, यूज करने का, एक तरह से आपने मैथड सोच के रखा है या प्लानिंग करके रखी है, स्ट्रेटेजी करके रखी है। गॉट इट बच्चा। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इसलिए हम रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली बात है, अगर आप बिना बात में रिसोर्सेज का यूज नहीं करोगे, तो आपका जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है वो भी क्या होगा, आपका रिड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कहीं जाना है, ठीक है, आपको पता है कि थोड़ी सी दूर आप साइकिल से जा सकते हो, तो आप बाइक लेके नहीं जाओगे, फोर व्हीलर लेके नहीं जाओगे, जिसके कारण क्या होगा, पॉल्यूशन रिड्यूस होगा। अगर आपको पता है कि आपको एसी की नीड नहीं है, अगर आप वहां बैठे हो, वहां आपको एसी की नीड नहीं है, तो आप मत चलाओ। इन सब चीजों से क्या होगा, आपका जो एनवायरमेंट का पॉल्यूशन है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। एंड थर्ड, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोला जा रहा है, जिसके कारण और हम क्या कर सकते हैं, जो भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, ठीक है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। समझ में आया 3 चीज। सबसे पहले वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को हम अवॉइड कर सकते हैं, इसके बाद हम रिड्यूस कर सकते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को, एंड देन थर्ड, हमारा जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है रिसोर्सेज को, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस, या फिर उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। गॉट इट। नाउ अब हम देखेंगे, ये तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि अगर आप चाहते हो तो आपको रिसोर्स कंजर्वेशन करना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, आप प्लानिंग अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। सो लेट्स सी कि इसका मीनिंग क्या होता है। अगर हम रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करें, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एक तो आपको वर्ड से समझने में आ रहा होगा, कंजर्व करके रखना किसी चीज को, सेव करके रखना, रिजर्व करके रखना, ठीक है। लाइक द प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड एंड टू स्टोर अपार्ट फ्रॉम द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, आपको एक तरह से प्लान करना है,
किसका? यूजेस ऑफ रिसोर्सेस का. ओके, प्लान यूजेस ऑफ रिसोर्सेस किस ऑर्डर में? इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड. आपका जो प्रेजेंट की नीड है रिसोर्सेस की, वो भी सेटिस्फाई हो सके, साथ के साथ में आप स्टोर करके रख सको आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी. इसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं बच्चा. गॉट इट? क्या बोला मैंने? प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट दी प्रेजेंट नीड. ओके, हमें रिसोर्सेज का इस हिसाब से प्लानिंग करनी है जिसके कारण आपकी जो प्रेजेंट की नीड है वो भी सेटिस्फाई हो सके, साथ के साथ में आप उसको स्टोर करके, कंजर्व करके, रिजर्व करके रख सको आपकी फ्यूचर जो जनरेशन है उसके लिए. ये हमारी क्या होती है? रिसोर्स कंजर्वेशन होता है. ओके, नाउ इसके बाद जैसे कि हमने जो रिसोर्स कंजर्वेशन तो देखी है, अब इसकी नेसेसिटी क्यों है? ठीक है, हमने मीनिंग तो देख लिया, ये हमारी मीनिंग होती है, लेकिन अब इसकी नेसेसिटी क्यों है? आई थिंक अब तक तो आप समझ ही गए होंगे. ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेसेसिटी ऑफ रिसोर्स प्लानिंग. जैसे कि आपको पता ही है, मैनी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टेबल. इफ वी कंजर्व देम वी कैन यूज देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि आपको पता है, बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं, साथ के साथ में एग्जॉस्टेबल भी होते हैं. ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो गया? पेट्रोल, फ्यूल, ये हो गया. ये क्या है? आपके नॉन रिन्यूएबल तो है, साथ के साथ में एग्जॉस्टेबल भी है. ठीक है, मतलब आप उनको रिन्यू नहीं कर सकते. अगर रिन्यू होंगे भी तो एज यू नो दैट मिलियंस एंड बिलियंस ईयर लेते हैं, इसलिए उनका रिन्यू होना ना होना एक बराबर रहता है. ठीक है, एग्जॉस्टेबल है मतलब कि एक बार वो खत्म हो गए सो हो गए, आप उसको रिसाइकल भी नहीं कर सकते. ठीक है, अगर हम ऐसे रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है, हम क्या करके रखते हैं? इनको कंजर्व करके रखते हैं तो हम उन्हें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. ओके, समझ में आया? हमें पता है कुछ रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टेबल होते हैं जिसके कारण हम उन्हें कंजर्व करके रख सकते हैं. अगर हम उन्हें कंजर्व करके रखते हैं तो हम उनका ज्यादा लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. ओके, सेकेंड पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प अस टू रिड्यूस वेस्टेज, इट विल हेल्प इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस. और साथ के साथ में जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है जिसके कारण हम रिड्यूस कर सकते हैं जो भी आपका रिसोर्सेज है उसको वेस्ट करने से, जिसके कारण आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अंदर भी क्या होगी? हेल्प मिलेगी आपको. ठीक है, नाउ रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट. और जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं? जो रिसोर्स कंजर्वेशन है वो क्या करेगा? आपका मदद करेगा, हेल्प करेगा. किसको क्या करने में हेल्प करेगा? प्रोटेक्ट करने में. किसको? एनवायरमेंट को. ठीक है, तो रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट. नाउ अब हम ये देखेंगे कि गांधी जी के क्या आइडिया थे रिगार्डिंग रिसोर्स कंजर्वेशन. ठीक है, गांधी जी क्या सोचते थे रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में? तो गांधी जी का एक बहुत फेमस बोलना चाहिए थॉट है, देयर इज अ इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड. ये बहुत ज्यादा फेमस आपका क्या बोलना चाहिए एक तरह से गांधी जी का थॉट है, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि हमारे नेचर के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इतने रिसोर्सेज हैं कि जिससे कि सबकी नीड तो पूरी हो सकती है, लेकिन अगर हम किसी की ग्रीड की बात करें तो वो तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती. ठीक है, क्योंकि लालच एक ऐसी चीज है कि वो कभी खत्म होती नहीं है, वो बढ़ती रहती है बच्चा. ठीक है, तो ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर द कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन. अब जो गांधी जी हैं वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं जो ग्रीडी और सेल्फिशनेस होती है लोगों की, ठीक है, वो क्या करती है? वो एक्चुअली में एक तो एक्सप्लॉइट कर रही है नेचर को, लेकिन अब वो एक्सप्लॉइट कर रही है नेचर को तो उसका मेन कॉज क्या है? ठीक है, उसका कॉज क्या है? उसका जो कॉज है वो क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी. ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, इसलिए क्या हो रहा है? लोग बाग नेचर को इजिली एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं, और साथ के साथ में उसी के कारण क्या हो रहा है? आपका रिसोर्सेस का डिप्लीशन हो रहा है. ओके, तो ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल and the exploitative nature of modern technology are the cause of resource depletion. Okay, जो भी आपका लोगों का selfishness है, greedness है, या फिर हम ये इसके कारण क्या कर रहा है? लोग बाग नेचर को exploit कर रहे हैं. किसके थ्रू? मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कि क्या है? एक तरह से जो आपका रिसोर्स का depletion हो रहा है ना, वो इसी वजह से हो रहा है. Got it? Now, he was against mass production and wanted to replace it with production of masses. जो आपके गांधी जी थे वो मास प्रोडक्शन के क्या थे? अगेंस्ट. उन्हें लगता था कि मास प्रोडक्शन नहीं होना है. ठीक है, वो क्या चाहते थे? इसको किससे रिप्लेस कर दिया जाए? प्रोडक्शन ऑफ मासेस से इसको रिप्लेस कर दिया जाए.
ओके गॉट इट बच्चा, समझ में आया? गांधी जी किसके अगेंस्ट थे? ही वॉज अगेंस्ट, वो अगेंस्ट थे किसके अगेंस्ट थे? मास प्रोडक्शन के. ओके जो मास प्रोडक्शन होता है उसके अगेंस्ट थे, एंड वो चाहते थे कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए. किससे रिप्लेस कर दिया जाए? प्रोडक्शन ऑफ मासेस से इसको क्या कर दिया जाए? रिप्लेस कर दिया जाए. गॉट इट बच्चा? आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है रिसोर्सेस प्लानिंग, उसका क्या यूज है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और गांधी जी के क्या आइडिया, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है, इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है, आपको कोई भी डाउट है या कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है, इसके अलावा आप कोई और टॉपिक है ऐसा जो आप मुझसे समझना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ मुझे कमेंट करना पड़ेगा, देन मैं उस कमेंट को पढ़ के आपके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपके जो भी डाउट्स होंगे या जो भी क्वेरी होंगी उनके अकॉर्डिंग आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी. ओके बच्चा, ना इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट थिंग, अगर बेटा आपको लगता है कि ये जो वीडियो है आपके लिए यूजफुल रहा, ठीक है, आपको इससे कुछ हेल्प मिली, तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि इस वीडियो को कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, एंड आपको उसके साथ आपका जो बेल आइकन है उसको भी हिट करना है. जिससे क्या होगा, आपका मेरा कोई भी न्यू वीडियो आता है, कोई भी वीडियो आता है तो वो आपसे छूट नहीं पाएगा. ओके सो बाय बाय, टेक केयर, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय बाय.